ओके मैम। बी 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 की शुरू की ये जो प्रोटेस्ट आज आप कर रहे हैं क्या वजह है जी? हमारे आज के प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि हमें इस महकमे में जम किया जाए। हम महकमे रूरल डेवलपमेंट में पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ अहदों पे, जैसे GRS है, टेक्निकल असिस्टेंट है, MIS ऑपरेटर या और बाकी अहदे हैं। चूँकि सरकार ने हमें बार बार वादे किए थे कि हम आपको इस महकमे में परमानेंट करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बल्कि नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है, जिससे हम बार बार निराश हो रहे हैं। और इतना काम करने के बावजूद हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सरकार ने चूँकि 2018 में हमारे लिए एक कमेटी भी तश्कील दी थी, जिनका रिपोर्ट कम से कम 6 महीने में आना चाहिए। आज तक कितने साल गुजर गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें जल्द अज जल्द परमानेंट किया जाए, ताकि लोग भी सफ़र ना हो जाए। हमारी इस पेन ड्राइव का यही मकसद है कि हमारा इस महकमे में जम होना लाजमी है। मैं हर एक मोड़ पर अपने GRS, MIS ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जो हमारे प्रोग्राम अफसरस, मैं हर मोड़ पर उनके साथ हूँ। मैं आपकी वसादत से गवर्नर इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेना साहब, एडवाइज़र बशीर अहमद खान साहब, हमारी सेक्रेटरी मैडम शीतल नंदा जी और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से पुरजोर गुजारिश करता हूँ एज ए BDC चेयरमैन हाजन, कि जो इनका मसला पिछले 13 साल से इल्तिमा में पड़ा है, जो ये एम्प्लॉय हैं वेरी क्वालिफाइड पर्सन है, यहाँ जो हमारे यहाँ काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट है, वेल इनका अब जो टाइम था अब वो गुजर गया है। 13 सालों से ये एक मामूली सी जॉब पर यहाँ नौकरी करते हैं, इनका तनख्वाह भी कम है, उनको टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलते हैं। दूसरा मुझे ये अफसोस है कि इनको यहाँ डिपार्टमेंट वाले रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं नरेगा एम्प्लॉय। आई एम वेरी सॉरी टू टेल दैट नरेगा एम्प्लॉय, ये हमारी रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉय हैं, दे आर अपॉइंटेड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चाहे ये हमारा MIS ऑपरेटर हो, चाहे हमारा प्रोग्राम अफसर हो, चाहे हमारा टेक्निकल असिस्टेंट हो, चाहे हमारा MIS ऑपरेटर हो या हमारा GRS हो, मैं आपकी वसादत से इनका जो मसला 2018 से इल्तिमा में पड़ा है, मेहरबानी करके इनका ये मसला हल कीजिए। मैं इनको अपनी तरफ से एज ए BDC चेयरमैन हाजिर, मैं इनको एश्योरेंस देता हूँ कि जहाँ भी हमारी कल से मीटिंग होगी कि एडवाइज़र साहब के साथ या हमारी मैडम के साथ या लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, मैं इन रिटन इनकी डिमांडों को आगे ले जाऊँगा।